CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। अमृतसर कोर्ट में आज एक संस्था की गाड़ी को नीली बत्ती लगाकर कोर्ट में गाड़ी पार्क करना भारी पड़ गया। दरअसल केंद्रीय एम्बुलेंस सेवा दल के नाम से एक गाड़ी अमृतसर की कोर्ट में पार्क हुई, जिस पर नीली बत्ती लगी हुई थी। जब पुलिस द्वारा उस गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें एम्बुलेंस जैसी कोई सुविधा नहीं थी। जब पुलिस ने गाड़ी चालकों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह उनकी संस्था की गाड़ी है, जहां उन्हें नीली बत्ती लगाकर घूमने की परमिशन मिली हुई है और साथ ही जो गाड़ी चालक है उनको खाकी पहनने की इजाज़त भी दी गई है। देखते ही देखते विवाद बढ़ता गया और कोर्ट के बाहर हंगामा हो गया। संस्था की मेंबर नीतू ने बताया कि उनको यह गाड़ी उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इशू हुई है, जिसमें बत्ती लगाकर घूमने की इजाजत है और उनकी ऐसी 3 गाड़ियां और अमृतसर में चलती हैं। किसको इम्पोर्टेंस दी जाती है और खाकी में ही सब सेफ्टी महसूस करते हैं, ये सबको पता है। अगर पहाड़गंज में है, पहाड़गंज में कहाँ, वहाँ तो होटल है, ऑफिस कौन सा है सर? उसके पास ऐसा तो नहीं कि सब होटल ही है, लोग रहते नहीं है वहाँ पर। अच्छा, कहाँ पे सर? जो लॉजिक का क्वेश्चन आप मेरे से वो पूछे। आप मुझे अपना ये प्रमाणित करें, आप नविता है कि नवी है? मेरा नाम नीतू है, मेरे को नहीं पता कौन है। हम यहाँ के कोर कमांडर होंगे, उनकी गाड़ी देखिए आप घूम रही हैं। तो हमें परमिशन है, डिपार्टमेंट की गाड़ी है, अगर हमें परमिशन है उसमें सब कुछ मेंशन है, उसमें ब्लू लाइट का भी मेंशन है तो हम घूम रहे हैं, ऐसे तो नहीं घूम रहे। एम्बुलेंस में घूम रहे हैं, न्यू जॉब है, न्यू एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस हमारा के लिए आप आए, हमारा नहीं निजी काम नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट का काम है। अभी आपको डिटेल तो देंगे नहीं, हम मांगेंगे नहीं हम। हाँ जी, आप लॉजिक का क्वेश्चन पूछिए मेरे से, आगे बताइए। बिना वर्दी पहन के आई कार्ड आपके बंदों के पास नहीं है सर? अभी न्यू है तो अभी इनको 3 महीने भी नहीं हुए, इनको यूनिफॉर्म पहनना सिखाया जा रहा है और इनको चलना उठना बैठना ट्रेनिंग दी जा रही है। गाड़ी नीली सर, इसमें मेंशन है, उसमें ये नहीं मेंशन कि एम्बुलेंस पर ही नीली। एम्बुलेंस है कि प्राइवेट गाड़ी? पब्लिक सर, ये सेंट्रल एम्बुलेंस की ओर से। मैडम ये मैं पूछना चाहता हूँ, अभी आप ने बोला है कि 3 महीने हो गए, अभी हम नए हैं, आप नए हैं और नीली रंग की गाड़ी आप? मेरे को 3 महीने नहीं हुए, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी उनको मैंने अपना नहीं बोला, मैंने क्यों नहीं यूनिफॉर्म पहनी? आप 3 महीने? हाँ मैं हूँ, लेकिन हमें ट्रेनिंग पर कुछ भी सिखाया जाता है। पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग में क्या होता है वो उनका अलग है, आर्मी की ट्रेनिंग में क्या होता है उनका अलग है, हमारे यहाँ की ट्रेनिंग क्या है ये आपको नहीं पता। हमारे फिर मेंशन क्यों है? इस डिपार्टमेंट को लोग जानते हैं, क्यों जानते हैं? सेंट्रल का डिपार्टमेंट है, आप उंगली नहीं उठा सकते। मान्यता मिली है, आप गुमराह मत करें। हाँ जी सर, मान्यता मिली है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मान्यता कोई भी ले सकता है, एक एक करके क्वेश्चन पूछे। मान्यता कोई भी ले सकता है, मान्यता मिली है, एक एक करके, एक एक करके सर। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो ना, सेंट्रल हमारे हमारे जो सेंट्रल सर, हमारे डिपार्टमेंट का जो नेम है, हमारे डिपार्टमेंट का नेम वो हम बता रहे हैं। अभी एक एक करके क्वेश्चन पूछो। मैं मान लेता हूं आपको लाइट मिली है, लेकिन ये एम्बुलेंस है ही नहीं है सर। हर एक मेरा आपका क्वेश्चन राइट है, लेकिन हर एक गाड़ी पर एम्बुलेंस नहीं रख सकते। अगर फील्डिंग में हम जाएंगे, इसमें ये नहीं मेंशन कि सिर्फ एम्बुलेंस में ही लाइट होगी, ये मेंशन है कि सिर्फ एम्बुलेंस। सर यहां पे इतने वकील साहब हैं, परमिशन दिखा लीजिए, सही है कागज या गलत है। अभी यहाँ पे इतने अधिवक्ता जी हैं, कोई भी आगे आ जाओ सर, देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट से लीगल सेक्शन, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिली है, सबसे बड़ी बात। अच्छा सर, ठीक है। सर हमारी एक 2 गाड़ी हमारी मजीठा रोड पर होती है, एक ये है और एक और होगी जेठवाल में। हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में है, पहाड़गंज में। ओनर हमारे यहाँ। हाँ जी रविंदर भाजी, 2 गाड़ियाँ हो रही हैं, चेक करा लो, ले लेने नंबर बताओ। नहीं मेरे को ऐसे नंबर थोड़ी ना याद, मैं नंबर थोड़ी ना याद करके बैठ क्या लाल जी के लगी सर। उसका लाइसेंस वो उसकी पर्सनल था कि वो उसका रह गया, ऐसे तो हम घूमते नहीं है ना सर। एम्बुलेंस बस सारी प्रूफ दे रहे हैं, अब हमसे क्या प्रूफ चाहते हो? बस सर प्रूफ दे रहे हैं, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? अगर आपको सेंट्रल नहीं दे रहा तो पंजाब के तो दे रहे हैं ना प्रूफ। उधर पुलिस ने बताया कि जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें ना ही एम्बुलेंस की कोई सुविधा उपलब्ध थी और ना ही उनकी संस्था सरकारी है, लेकिन नीली बत्ती के कागज़ उनके पास मौजूद हैं।
पर ड्राइवर के पास कोई लाइसेंस नहीं है। इन्हों का जी जो मैटर इन्होंने एक अपने लिखा वा केंद्रीय एंबूलेंस सेवा जिती लिखी आ, ये कोई इन्हों की प्राइवेट संस्था हैगी आ जिन्हां नूं केंद्र सरकार वालों जी कोई मंजूरी मिली आ जी पर वेखन नूं जी कोई एंबूलेंस नहीं लगती है, प्राइवेट गड्डी यूज कर रहे हैं तो कितने इतने कोई अपना महकमे के काम वास्ते कि इतने आए ही। तो बाकी इन्हों का जो ड्राइवर है वह ड्राइविंग लाइसेंस देखते हैं, जो कोई नहीं है तो वह चलान करा। बाकी एंबूलेंस जी ला बत रैड लाई अपने ब्ल्यू बत्ती लाई आना को कापी हैगी नहीं सरकार चलान करा जो 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 भी बनता है कार्रवाई करा। एंबूलेंस बनाई है तो इस तरह से कुछ मिले कि जो ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं जो ना होगा तो चलान किया जाऊगा। बिल्कुल आई कार्ड बाद। मेरा नाम एस आई लखविंदर कुमार, इंचार्ज चौकी कोट कंपलैक्स।